हालेलुया। कितने लोग आज खुश है, हाथ उठा, हाथ उठा के धन्यवाद कहो प्रभु। हालेलुया। आज मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, आज हम लोग को इधर तक यहाँ तक ले गया है, इसलिए धन्यवाद। यहाँ मैं जो भी वचन दूसरों के साथ शेयर करूँगा, आप मेरे साथ रहना, और मैं यीशु के नाम में आमीन। आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है कि अपने लाइफ के अंदर ना ऐसे कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जिसमें परमेश्वर शांत हो जाता है, परमेश्वर आंसर नहीं देते हैं, तो आप बता सकते हो कि ऐसा कौन सी सिचुएशन में, मतलब परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, मतलब ठीक है क्वेश्चन समझ में आया कि परमेश्वर क्यों शांत रहता है, परमेश्वर शांत रहता है, परमेश्वर का जवाब नहीं मिलता है वो टाइम पे। मैं आपको तीन बातें बताना चाहूंगा उसके बारे में। सबसे पहला है कि परमेश्वर वो टाइम पे हमें तैयार करता है, इज बिल्डिंग अस। आमेन। ये जैसे कि लिखा है उसका रेफरेंस में है कि लुक का 2:52 में लिखा है, कोई पढ़ सकता है हिंदी में? तो वो हमको तैयार करता है। आमेन। दूसरा है कि परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। इज चेंजिंग आवर सिचुएशंस। तीसरा है कि ही इज फाइटिंग फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। आमेन। उसका लिखा है Matthew 2:20 में। हालेलुया। परमेश्वर वो सिचुएशन को चेंज करने वाला परमेश्वर है, मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। आमीन। मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। मेरा पूरा वचन इसके ऊपर ही है, वो पहले वाला आपको सिर्फ बताना चाहता था। इसमें ये है कि खुदा ने अपने चेलों से ऐसा क्यों कहा कि अपना क्रूज उठाओ और चलो। Why God said to his disciples to take your own cross and walk? उसमें क्रॉस को क्या रिप्रेजेंट किया है या फिर उसे क्या डिनोट किया, उसे क्या दिखाया है? इसमें है कि हमें इसलिए, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अपन पुराने टाइम में जो लोग थे वो अपने जो मतलब लकड़ियां है वो उठा के क्यों चलते थे, मतलब वो लोग आग जलाने के लिए, है ना? तो खुदा हमसे यही बात करता है कि हमें खुद के क्रॉस इसलिए उठाने हैं क्योंकि हम जो ये दुनियावी बातें हैं जो हम लोग ने इधर जो भी हमने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा या फिर जो भी कुछ ड्रीम्स होंगे वो सब हमें छोड़ने हैं, जो दुनिया की बातें हैं वो सब हमें छोड़नी है और हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलना है और हमारा खुद हमें खुद ही उठाना है, क्रॉस हमें खुद ही उठाना है। मैन। और हमें खुद को समर्पित होना है, हमें हमें एज अ बलि है, हम लोग बलि है, हम खुद को अर्पण करना है, हमें यीशु के सामने अर्पण होना है। मैन। हमें खुद को तैयार करना है। हम लोग फिर जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, जैसे अब्राहम और इसहाक, वो लोग पर्वत पे चढ़ रहे थे, तो वो लोग क्या लेके चढ़ रहे थे? लकड़ियां लेके चल रहे थे, ठीक है? तो वहां बीच में इसहाक ने पूछा होगा अब्राहम से कि क्या मतलब कोई खेटू, मतलब जो अर्पण है वो क्यों नहीं लेके जा रहे? अब्राहम वहां चुप होगा कि वो खुद अपना बेटे को बलि करने के लिए लेके जा। मैं तो वही और जैसे कि पुराने इन ओल्ड टेस्टामेंट्स कि आग उतर के आती है एक जगह पे, तो अल्टर वेदी वहां पे उतर के आती है, तो कहां से उतर के आई?
स्वर्ग से उतर के आई, और मैं वही वो जो वेदी वो जो अग्नि है वो हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए प्रभु के लिए, हालेलुया, वो हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर एक अग्नि होनी चाहिए परमेश्वर के लिए, और हमें वो दूसरों तक फैलाना है, बी फ्रूटफुल, हमें दूसरों तक वचन फैलाना है, और हम लोग को परमेश्वर के वचनों पे चलना है, और हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, उनके साथ प्रेयर टाइम हमें बिताना है और बाइबल पढ़ना है, ओके। और मैं एक सॉन्ग गाना चाहूंगा, और एक वचन है निर्गमन एक्सोडस का 32 का 28 और 29, हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर के पास वो ले जाएगा, उसके शरण में लेके जाएगा, हमें डेली उसके साथ बात करनी है, हमें हालेलुया। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान पाने का लेके आ, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आत्मा की हम पर बहा, कर्म पर्वत की मैं छोटे बादल गोड़ते देखू, आहाब जैसे से तू भेज, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान